नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित, फिजियोथेरेपिस्ट। और आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में हाथ और पैर में सूजन क्यों आ जाती है। सबसे पहला जो कारण होता है नसों का सिकुड़ जाना। नसों की सिकुड़ जाने की वजह से सर्दियों में हाथ और पैरों में सूजन आती है, और या फिर खून की कमी की वजह से, सर्दियों में खून कम बनता है खून की कमी की वजह से, या खून का धक्का बन जाने से, खून का जो धक्का बन जाता है उसकी वजह से, या नंगे पैर चलने की वजह से, पानी की कमी से, कैल्शियम की कमी से, और या फिर पैर में चोट लग जाने या मोच आ जाने की वजह से, या लंबा सफ़र करने की वजह से। अब बात करते हैं उपाय की। सबसे पहला जो उपाय है, 4 चम्मच सरसों का तेल लीजिए और 1 चम्मच सेंधा नमक यानी कि काला नमक, और उसको गर्म कर लीजिए। फिर उस तेल को सूजन वाली जगह पर लगाइए, हाथ या पैर दोनों में। दूसरा जो उपाय है, आप प्याज का रस लीजिए, प्याज लीजिए, उसके रस को सूजन वाली जगह पर लगाइए। तीसरा जो उपाय है, जैतून के तेल को लीजिए और 1 चम्मच हल्दी लीजिए, उसको खूब गर्म कीजिए, उसका जब लेप बन जाएगा उस लेप को सूजन वाली जगह पर लगाइए। और ज़्यादा पानी पीजिए, पानी की कमी से भी सूजन होती है, ज़्यादा पानी पीजिए। या आप 4-5 अदरक के टुकड़े लीजिए, छोटे छोटे कर लीजिए, उनको एक बर्तन में गर्म कर लीजिए, 3 गिलास पानी डालिए उसमें, और जब तक वो खूब खोल कर 1 गिलास पानी रह जाए, फिर उसके बाद ठंडा करके छान कर उसको पीजिए। या आप ज़्यादा पैर लटका कर ना बैठें, लगातार ज़्यादा खड़े ना हों, या आप आइस पैक लगाइए, आइस पैक लगाने से आपको सूजन में आराम मिलेगा। या आप गर्म पानी की सिकाई कीजिए, किसी बर्तन में गर्म पानी कीजिए, उसमें नमक डालकर उसकी सिकाई कीजिए। या आप नीबैंड लीजिए, नीबैंड आता है, नीबैंड लगाइए। या आप नींबू और लहसुन को नींबू के रस में पीस लीजिए और उसका फिर लेप लगाइए, उससे आपको सूजन में आराम मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।